हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वी आर फाइनली बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और रमज़ान आ चुका है, आज फर्स्ट रमज़ान है, पहला रोज़ा है आज रमज़ान का। और सुबह से उठ के आज बारिश हो रही है, माशाल्लाह सुबह से ही हो रही है बारिश, हल्की तेज़ हल्की तेज़। और अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की खुशियाँ दिखाएँ, हमें रमज़ान की रहमतें बरकतें नाज़िम सब पे हमें। और दुआ में याद रखिएगा सबको, मुझे भी मेरी फैमिली को भी, सबको दुआ में रखिएगा। और माशाल्लाह मौसम तो बहुत ही आज अच्छा हो रहा है, मैं भी आपको मौसम भी दिखा रहा हूँ, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है आज तो। बस यार अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल कर रहे हैं, हमें हमारी इबादतें कबूल कर रहे हैं इंशाल्लाह। यार मैंने तो फुल सोचा था इंशाल्लाह इस दफ़ा तो एतिकाफ़ में बैठना है, मेरा हर दफ़ा एतिकाफ़ का होता है, और पिछली दफ़ा तो मेरा पूरा डन हो गया था। सब्ज़ी वाले आ गए, बाकी सब जगह सन्नाटा हो रहा है, आवाज़ लगा रहा। कुछ चाहिए आप लोगों को है, कुछ चाहिए आप लोगों को दिखा दूँ मैं। एतिकाफ़ का है मेरा तो, मैं जब भी बोलता हूँ ना तो ये बोलते हैं। चले मैं अब थोड़ी देर के बाद जब वो चले जाते हैं फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि यार मेरा हर दफ़ा होता है, और पिछली दफ़ा तो लिटरली मेरा एंड में पूरा हो गया था, मेरा पूरा एंड में हो गया था कि यार बस बैठना ही बैठना है इंशाल्लाह, लेकिन बस करना नसीब में नहीं था, फिर कुछ काम हो गया तो फिर बस ना बैठ नहीं सका। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा तो मैंने फुल नियत की, मैंने सोचा यार इंशाल्लाह इस दफ़ा तो बैठना ही बैठना है एतिकाफ़ में इंशाल्लाह। और यार मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है यार। चले मैं अब थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी भी कर ली, तरावी भी पढ़ ली, और मैं अब क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, नाइट मैच है हमारा आज भी, और मैं वहाँ पर जाके व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। बारह रन हो गए तीन बोलो। अरे पीछे खेल दो, अकेला दो बॉल पे वो नहीं है, कोई लिमिट तो करो। कॉल नहीं करी आई थी, देखना मारो करो करो करो। अब अब्दुल्ला आउट होते हुए मैंने बोला था अब्दुल्ला उठाते हुए। अबे क्या वीडियो काम कर रही है क्या, क्या रिएक्शन है? हम मैंने भी बोला अब्दुल्ला आउट होते हुए, अब्दुल्ला बोल रहा था पहले, बाद में जाते यार गलत। अबे अबे ये सगुन तो चल चल, अब फिजर आउट होते हुए। छोर चला गया यार इसका, मैंने भी बोला अब्दुल्ला आउट होते हुए। वीडियो बनानी नहीं, फ्री करने देता नहीं, बैटर करने देता है। क्या छोड़ा ना, हां छोड़ा, लकी लकी किजर किजर सलेम की बनाऊं, सलेम को आउट होते हुए देखिए। कसम से वीडियो में आया, मेरे पास सलेम को आउट होते हुए देखिए, फोल्ड हो गया हमें यार। बैच ऊपर फॉर यू। हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, और मैं काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद मैं यार व्लॉग बना रहा हूँ, बस रमज़ान भी चल रहे हैं और आज 20 रमज़ान है और रोज़ा है बस अभी, और टाइम अभी हो रहा है 3:05, और बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था, और बस जोहर की नमाज़ पढ़ी है,
तो सोचा कि आज अब थोड़ा टाइम मिला है तो मैं व्लॉग बना लूँ। मैंने पहले कभी व्लॉग बनाया हुआ था फर्स्ट रमज़ान का भी, जब पहले दिन यहाँ पे कराची में बारिश भी हुई थी तो मैंने जब कभी व्लॉग बनाया था। और यार उसके बाद सच में लिटरली मैं आपको बताऊँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मेरे पेपर्स भी अभी होने वाले हैं और बिल्कुल यानी कि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, मुझे पढ़ना भी था, अपना रमज़ान भी थे, रोज़े भी चल रहे थे और नाइट मैच भी हम लोगों ने खेले, क्रिकेट मैच हम लोगों ने खेले बहुत सारे। हमने 5 टूर्नामेंट्स खेले जिनमें से हम लोग 3 जीत चुके थे टूर्नामेंट फाइनल भी, और एक में हम लोग फाइनल में पहुँचे थे और एक में सेमीफाइनल। बस हम लोगों ने ये इस साल हमने रमज़ान में खेला, हमने इतना ज़्यादा भी नहीं खेला। और यार मैंने सोचा था कि मैं ना इंशाल्लाह क्रिकेट का भी मैं व्लॉग यानी कि बनाऊँगा। मैंने शायद कुछ क्लिप्स बनाई थी, कुछ क्लिप्स एक आध होंगी मैं देखूँगा, शायद बनी भी होंगी व्लॉग में मैं ऐड करूँगा। और मैं माशाल्लाह से एहतिकाफ़ में आज बैठ जाऊँगा, आज 20 रमज़ान है, वहीं पर इफ्तारी करनी है इंशाल्लाह खैर से। तो बस मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊँगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि यार व्लॉग में नहीं बना, मैं थोड़ा सा ये व्लॉग में भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। टाइम देख लें, टाइम हो रहा है अब 3:20 और मैंने इंशाल्लाह यहाँ से जाना है 5:15 तक मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं एहतिकाफ से आ गया था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे बहुत सारे नज़ला खांसी बुखार हो रहा था, तो मैं इसीलिए व्लॉग भी नहीं बना सका। और बस फिर सुबह ईद थी, ईद की नमाज़ पढ़ी और फिर ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद हम लोग नानी के यहाँ चले गए थे, फिर वहाँ पे नाश्ता था, फिर वहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर सबको ईदियाँ मिली। रात में फिर मामू के यहाँ दावत थी, फिर वहाँ पे भी सबको वापस से ईदियाँ मिली, तो बहुत मज़ा आ गया। और ईद के सेकंड डे फिर हमारे यहाँ दावत थी और ईद के थर्ड डे फिर हमारी फैमिली गैदरिंग थी और ईद के चौथे दिन हम सब दोस्तों का मीटअप था रेस्टोरेंट में, अलवी का रेस्टोरेंट। फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर हम लोगों ने वहाँ पे प्लेटर मंगवाया, पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था प्लेटर का, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो बस फिर वहाँ पे गए और शायद मैंने वहाँ की भी शायद थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई होगी, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा व्लॉग में। और बस बहुत मज़ा आया, ईद भी ख़त्म, ईद के बाद अब मेरे पेपर्स हैं, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। एहतिकाफ में मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, मैं लिटरली मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छा मेरा फर्स्ट एहतिकाफ था, मेरा पहला साल था मेरा एहतिकाफ का, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत इबादत की अल्लाह ताला बस कबूल करें, आमीन, सब की इबादतें। और बस छोटा सा ये व्लॉग था, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, क्या बात है, एक सेकंड बस।